असद भाई कैसे हो, ठीक हो? कहाँ से आ रहे हो? किसी बुरबन से। ये जी असद मुगल साहब, यहाँ के लोकल ये टैक्सी जो हैं डीलर हैं, इनके पास अपनी गाड़ियाँ होती हैं। कैसा वहाँ पे रोड? ठीक है, हालात ख़राब हो गए हैं, बिल्कुल बंद है, ब्लॉक है। बंद तो नहीं होगी, ब्लॉक है। असल में वो गाड़ियाँ आ गई है ना, वो मशीनें को नहीं पहुँचने दे रहे वहाँ पे, तो बर्फ़ भी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। चलें जी, इंजॉय करें, अल्लाह खुश रखे। ये देखें जी, इनकी छत के ऊपर कितना बर्फ़ पड़ी हुई है, ये देखें। वाह मेरे मौला, कितना खूबसूरत मंजर है, ख्वाब लग रहा है, ख्वाब। ये देखिए एक फोर व्हील गाड़ी है, वो भी फंस गई है यहाँ पे। ये मैं भी आपके साथ ख्वाब देख रहा हूँ। दिल करता है कि ये ख्वाब कभी टूटने ना पाए, लेकिन ख्वाब तो ख्वाब होते हैं। जब तक आपके साथ लाइव हैं, आप ये मनाजर देखते रहेंगे। और ये देखें बर्फ़ की कितनी लंबी, यहाँ पे तकरीबन दो फुट बर्फ मौजूद है रोड के किनारे, और कोई नहीं गया इस जगह पे। ये देखेंगे पूरी एक तह बिछ गई है। जावेद बाबर थैंक यू, अहमद इश्वाक थैंक यू, अनवर उल हक वेलकम, वाजिद कियानी थैंक यू, अख्तर अली वेलकम, कारी बाबर सईद थैंक यू सो मच। मैं अगर किसी के सलाम का जवाब नहीं दे सका तो माफ़ कीजिएगा। सर्दी की शिद्दत और लाइव स्ट्रीमिंग और मैसेज इतना तेज़ी से आ रहे हैं कि मैं पढ़ नहीं सकता। तो ये देखें जी, ये फोर व्हील गाड़ियाँ आ रही हैं, बड़े मज़े से जा रही हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है। छोटी गाड़ी भी आ रही है, ये देखें जी सुजुकी, ये भी आ रही है। ये देखें पहने हुए हैं, लेकिन मेरे हाथ फ्रीज हो गए हैं। ये मरी के हालात हैं, ये मरी का खूबसूरत मौसम है। सोझल मलिक आपके साथ हैं। ये देखें जी, ये लेयर देखें, आप खुद आइडिया लगा लें कि क्या क्या मौसम है। और अभी हाईवे जो स्नो क्लियरिंग यूनिट है, उनकी गाड़ियां आ रही हैं रोड को क्लियर करने के लिए। ये स्नोफॉल हो रही है इस वक्त, और ये देखें ये गाड़ी फंस गई है, डबल इंडिकेटर लगाए हुए, वो नहीं आ सकते। इशार मरवत थैंक यू सो मच। अब यकीन करें कि मेरे हाथ बिल्कुल बिल्कुल फ्रीज हो गए हैं, अब उनके अंदर पेन शुरू हो गया, नेल के अंदर भी पेन शुरू हो गया है। और जब आपको पता है कि नेल के अंदर पेन शुरू हो तो कितना तकलीफ होती है। ये गाड़ी फंसी हुई है, अब इनकी वजह से स्नो क्लियरिंग जो यूनिट है वो मुश्किल में आ जाएगा, क्योंकि साइड के ऊपर बर्फ़ नहीं हटाई जा सकेगी। हम आपको दिखाते हैं। मकसूद अहमद साहब वालेकुम अस्सलाम, मैं इधर आपको क्लोज दिखाता हूँ। हमारी इस लाइव स्ट्रीमिंग को काइंडली शेयर करें, ये बहुत रेयर वीडियो है। पाकिस्तान के किसी पेज के ऊपर आपको इस तरह की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं मिलेगी। काइंडली इसको शेयर करें ताकि ये हालात सब देख सकें, जो आना चाह रहे हैं, जो आ रहे हैं रास्ते में। ये पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट आपके सामने ये बर्फ़ हटा रहे हैं रोड के ऊपर से। ये देखें इस तरीके से बर्फ़ आइस रिमूव होती है स्नो क्लियरिंग यूनिट। ये पूरी रात से ये चल रहे हैं, और ये छोटी गाड़ी लिप होती है, इस वजह से आगे बंदा बैठा हुआ है, वो लेके जा रहे हैं। और ये देखें जी, इतना रोड साफ हुई है और मज़ीद बर्फ यहाँ पे जमा हो गई है। ये देखें सड़क कुछ साफ हो गई है, लेकिन ये फोर व्हील गाड़ी और वो गाड़ियाँ उधर फंस गई हैं। उसके ऊपर देखें दो से तीन बंदे बैठ के आ रहे हैं जोर लगा के, लेकिन फिर भी स्लिप हो रही है। ये भी आपके सामने आएगी। थैंक यू सो मच, सब दोस्तों का शुक्रिया जी जो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ये लाइव मनाजिर हैं, मरी वेदर आपको दिखा रहे हैं।
पाकिस्तान का कोई टीवी चैनल, कोई फेसबुक पेज आपको ये नहीं दिखा रहा, सिर्फ और सिर्फ मरी वेदर आपको दिखा रहे हैं। और ये देखें, ये मकामी लोग हैं और ये हाल है। ये गाड़ी ऊपर नहीं चल रही क्योंकि उन्होंने टायर के ऊपर चेन नहीं लगाई और ये स्लिप हो रही है। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है अगर आपने चेन नहीं लगाई तो यही हाल होगा। ये गाड़ी बिल्कुल नहीं चल रही। ये लाइव मना देने नैला नोट, थैंक यू शुएब जान, वेलकम हिदायतुल्ला, थैंक यू सो मच। ये देखें इस तरीके से प्रॉब्लम होती है। ये एक मिनट भाई, आप इसकी हवा कम कर दें। कहाँ कम किए, आगे हवा कम नहीं की आपने, इनकी हवा मजीद कम करें। और मैट उठा लें, इनके जो पाँव के नीचे मैट है ना वो उठा लें, कहीं पे भी स्लिप करके तो आगे मैट रखें, पैर निकल जाएगा, फिर स्पीड से इनको कहें कि जाएं। ये भी एक तरीका है व्यूवर्स, आप देख रहे हैं कि अगर गाड़ी आपकी स्लिप हो रही है तो जो आपके मैट होते हैं, फ्लोर मैट गाड़ियों के अंदर मौजूद होते हैं, तो वो अपने टायरों के आगे रख दीजिए और एकदम से निकालें और फिर गाड़ी का जोर ना टूटे और फिर आराम से जाने दें। तो ये भी एक तरीका है जो लोगों को मालूम नहीं है, हम आपको अपडेट कर रहे हैं। और इस गाड़ी की वजह से ये देखें रोड बंद हो जाएगी, हो भी सकती है, लेकिन ये स्लिप हो रही है, बिल्कुल भी नहीं जा रही, बिल्कुल भी नहीं चढ़ रही। स्नोफॉल जारी है और ये इस तरीके से, ये देखें, ये मैंने इनकी हवा कम करवाई है, दूसरी साइड पे इन्होंने कारपेट रखा है तो ये निकल गए हैं। और अगर इसी तरीके से जाते रहेंगे तो ये निकल जाएंगे, नहीं तो रास्ते में ये पूरा जीपीओ चौक तक और ये कश्मीर पॉइंट तक इनको ये प्रॉब्लम पेश आती रहेगी। हलीमा रहमान, थैंक यू सो मच। एबटाबाद में जल्दी से हो जाए, एबटाबाद में आज रात चांसेस हैं, इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। अब्दुल हलीम खान, थैंक यू। जाफर अली, थैंक यू सो मच। जवेद अख्तर, पाकिस्तान की कौन सी जगह है वो मेरे भाई, मरी 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 मरी, यू आर वॉचिंग लाइव स्ट्रीमिंग विद मरी वेदर, मरी से सोजन मलिक आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं। और ये गाड़ी भी फंस गई है। नैला नूर, बिल्कुल ब्रेक लेंगे, लंबी ब्रेक लेंगे, अब पूरे दिन की रेस्ट के बाद डिमांड आई है फॉलोअर्स की, उनको इंजॉय तो लाजमी कराएं। इरफान उल्ला खान, वेलकम, थैंक यू सो मच। जी हमारा, आपको पता है कि हम ये जो चीज़ आपको दिखाते हैं ये भी इबादत समझ के करते हैं, हम आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ प्यार मोहब्बत और आपका खलूस, और मरी वेदर आपसे कुछ नहीं मांगता, मैं और मेरी टीम, और ये हम सब आपको दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं कि आप लोग अगर मरी आना चाह रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे हालात हैं। जो बराह रास्त थी वो ख़त्म हो गई, आप देख रहे हैं, इंजॉय करें, इतना खूबसूरत स्नोफॉल हो रही है, ये देखें बहुत तेज़ स्नोफॉल हो रही है, बहुत हैवी, और लोगों को देखें, रश देखें, हुसैन साहब ने आज आपके मज़े करा दिए माशाल्लाह। और आपको पता है हमेशा की तरह मरी वेदर सबसे पहले, सबसे पहले मरी वेदर, हम ऐसे नहीं कहते कि हमसा हो तो सामने आए, नहीं तो घर में बैठे रहे जिस तरीके से बैठे हुए हैं। और जीपीओ चौक का माहौल आप देख रहे हैं इस वक्त, हमारे फॉलोअर्स ने हमें हर तरफ से घेरा हुआ है माशाल्लाह, हर तरफ से घेरा हुआ, और वो एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ से आए? अच्छा जी, जी आप फिर हमारे पेज को फॉलो नहीं करते इस वजह से? मरी पेज तो नहीं है, मरी पेज तो फजूल सा पेज है, उसके एड में तो कराची में बैठा हुआ है भाई, एक तस्वीर वो मरी की लगाते हैं, 10 तस्वीरें वो और की लगाते हैं, मरी वेदर हमारा पेज है जो सिर्फ मरी वेदर को कवर करता है। हाँ जी, मलिक साहब, मलिक साहब, मलिक साहब आपने तो हमें, मलिक साहब आपने तो कह दिया कि जी धूप निकली हुई है, मैंने कहा 10 बजे तक इंतजार करें, अल्लाह
आपका घर में खरीद भी हुई, आपने पहचान नहीं है। ये क्यों नहीं पहचानेंगे जी, आपने इतना हार्ड किस्म के मैसेज कर दिया कि जी धूप में आपका इस्तकबाल किया। हमने कहा था जी रात के 10 बजे का इंतजार करें, और 10 बजे ना हुई हो तो फिर हमें जुर्माना लगा। आए आपकी खिदमत करें जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि तमाम लोग भी मरी दादर की पेज को जो है लाइक करें ताकि अपडेट रह सके, और मैं भी जाके इंशाल्लाह जो है। जी जी, थैंक यू सो मच। ये देखें जी व्यूवर, ये सारे लाइव व्यूवर्स हैं, ये कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है। ये हमारा प्यारा मरी है, प्यारा पाकिस्तान है। इस तरह का मौसम लंदन में भी नहीं होता। तो पाकिस्तान से मोहब्बत करें, मरी से मोहब्बत करें, मरी वेदर से मोहब्बत करें। ये आपका अपना पेज है, हम आपसे कुछ भी नहीं लेते, लेकिन जो दिखाएंगे सच दिखाएंगे। आप हमारे पेज को लाइक करें, और अभी इन भाई ने खुद आपके सामने कहा है कि मरी वेदर को लाइक करें। ये देखें जी एंजॉय करें। और इस वक्त टेम्परेचर बहुत डाउन है, और लोगों का रश देखें। ये सारे दोस्त हमारी एडवाइजरी को देख के आए थे। हम इधर चलते हैं, थोड़ा सा लोगों के साथ गपशप करते हैं। हमारी सर बहुत अच्छी है और बहुत तेज बर्फबारी है जी, बहुत हैवी किस्म की, जैसा हमने फोरकास्ट किया था वैसे। और आपको पता है कि डायरेक्ट बर्फ आई है, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया था और डायरेक्ट स्नोफॉल हुई है। सर मैग्मा सॉरी स्नो क्लियरिंग यूनिट के ओवरसीयर हमारे साथ हैं। जी जी, ये मैं गाड़ी देख रहा हूँ जी, स्नो क्लियरिंग यूनिट पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट। इनको आज पकड़ते हैं, इनकी कारकर्दगी देखते हैं जी। सामने डांस भी हो रहा है, चिल माहौल है। अस्सलाम वालेकुम जी, स्नोफॉल हो रही है और आप अंदर छुप के बैठे हुए हैं जनाब, खैरियत? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले इस मरी वेदर के तमाम मेहमान को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, और आप लोग तमाम न्यूज़ चैनल और तमाम जो है हमारे न्यूज़पेपर सबको क्रॉस करके हकीकत जो है ना, आप मरी के हवाले से खास तौर पे, बल्कि अब तो सोजल साहब के हम बहुत पर्सनल शुक्रगुजार हैं कि पूरी दुनिया की हमें सैर कराते रहते हैं जी, और खास तौर पर लैंडिंग और ओवरटेकिंग और एयरप्लेन के वो मोड्स के हम हैरान हैं। बहुत अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह स्नो फॉलिंग शुरू हो गई है जी। और मैं आज सोजल मलिक साहब के रेफरेंस से और इसके तमाम एडमिन के रेफरेंस से, नसरुल्लाह साहब है हमारे भाई मोहतरम है सारे जी के चौक पर हम खड़े हुए हैं। मैं कुछ एडवाइजेस एज ए कैंप इंचार्ज स्नो कैंप जो है हमारे, हमने यहाँ पे मुझे अरेंज किए हुए जी, क्योंकि मैं पिछले 16 साल से यहाँ स्नो कैंप चला रहा हूँ जी। मैं अपने तमाम स्वीट मेम्बरान को खास तौर पे और हवाले से तमाम दुनिया के लोगों को कि जो मरी हिल्स में आते हैं या अदरवाइज भी हमारे पाकिस्तान में हिल्स एरिया में आते हैं स्नो कैंप के दौरान, मैं कुछ एडवाइजेस देना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अलहमदिल्ला पाकिस्तान में एवरेज बंदों के पास बहुत अच्छी गाड़ियाँ हैं, 15 से 16 हज़ार की गाड़ी है जी, लेकिन इतना नहीं करते, थोड़ा सा तजुर्ब करके कि 2000 रुपये की नॉन स्पीडिंग चेयर हर टायर साइज की, और अब तो इतनी अच्छी मिल गई है कि जिनको चढ़ाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आती, बिल्कुल वो लाजमी लेके गाड़ी में रख लें। उसके बाद जो दूसरी एडवाइस ये है कि अगर आप इनकेस ऑफ इमरजेंसी आपको याद नहीं रहा, आप जैसे ही मरी की तरफ रुख करते हैं और आपके पास नॉन स्पीडिंग चेयर नहीं है, आप बराए मेहरबानी आप अगर जी टी रोड से आ रहे हैं तो घोड़ा गली पे, और अगर एक्सप्रेस वे से आ रहे हैं तो जहाँ भी नज़दीक तरीन आपको कोई टायर वाला शॉप मिलती है, तो आप अपने टायरों की जो आपकी मैक्सिमम लिमिटेंस को 50% रिड्यूस कर दें। मीन्स कि अगर आपके टायर की लिमिट 20 PSI है तो आपको 10 PSI कर दें जी, हवा जी। उससे ये हवा अपने टायर का एयर प्रेशर कम कर देंगे, तो इससे आपकी गाड़ी स्किड नहीं करेगी। नंबर 3 पे यहाँ पे रोड ब्लॉकेज हो जाती है, हम लोगों की कुछ कम अवेयरनेस की वजह से हम लोग गाड़ियाँ डबल लाइन में लगा लेते हैं जी। एक तो डबल लाइन लगाने से अवॉइड करें जी, और खास तौर पे इस सूरत हाल को मदद रखते हुए 8 से 10 घंटे तक यहाँ पे आमतौर पर ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है जी। तो आप प्लीज़ सबसे पहले तो ये, अगर आपका फैमिली है, आपके बच्चे हैं, तो मौसम के हिसाब से गर्म कपड़े और सफिशेंट फूडिंग जी, क्योंकि 8 से 10 घंटे अगर ट्रैफिक जाम रहेगी तो आपको खाना भी चाहिए, आप सफिशेंट फूडिंग रखें। और प्लीज़ जहाँ पे मरी हिल्स एरिया में दाखिल होते ही अपनी CNG ऑफ कर दें, पेट्रोल पे आए और पेट्रोल के टैंक आप याद कर लें, ये आपको वार्निंग भी है और ये मस्ट भी आपके टैंक फुल होने चाहिए, क्योंकि 8 से 10 घंटे अगर आपकी ट्रैफिक जाम होती है या गाड़ी आप बंद नहीं कर सकते, माइनस टेम्परेचर है, इसमें -3 हो चुका है जी, और ये आज रात -4 -5 तक जाएगा बिल्कुल। तो ये कुछ एडवाइजेस हैं, इसके अलावा भी बहुत एडवाइजेस हैं, तो आप अगर इस पर
अमल करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे इस पसंदीदा चैनल पर, जिसका मैं खुद भी मेंबर हूँ, कि मेरे मेम्बरान खासतौर पर और पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो आराम से और अच्छा सफ़र करेंगे और उसको अच्छा समझेगा बजाय यहाँ पे। हाँ, एक और बात जो आप याद कर लें, अच्छी बात है सोजल साहब जिंदगी में पहली बार मेरे साथ आ गए, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो नसमरा साहब से हरबर पुरकार रहती है, एक आप यहाँ पे आए होटल्स वालों के एजेंट्स के हाथ में ना चढ़े, जहाँ पे लोग बहुत शिकायत करते हैं जी 5-10 हज़ार लगे, लेकिन आप आए थोड़ी सी आप मेहनत कर लें, आप डायरेक्ट जाएं रूम चेक करें तो आपको रूम बहुत सस्ते मिलेंगे। आप एजेंट्स के बुराए मेहरबानी आपके साथ एकदम गाड़ियों से लटक जाएंगे जी हाँ जी कमरा बहुत अच्छा है, आप खुद कोशिश करें रुके, आप जाकर रूम देखें तो आपको बारगेन करके कमरा अच्छा मिल जाएगा। एक और कबाहत जो हमारे पिछले साल से डेवलप हो चुकी है, जिसके बारे में बार बार मीटिंग मेरे भी इस हिसाब से हुई है, सोजल साहब बैठेंगे तो मैं भी बात करूंगा कि यहाँ पे एक चैन माफिया डेवलप हो गया है। वो जान के कुछ जगहों पे उन्होंने पॉइंट नोट होते हैं जहाँ पे रेट ज़्यादा होते हैं, हम जान के बर्फ़ फेंक के या अपनी कोई गाड़ी खराब करके खड़े हो जाते हैं, फिर आपको तंग करके चैने अपनी लगा के सिर्फ उस वजह से जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको चैन नहीं होती, आप टायरों का प्रेशर कम नहीं करते, वो 8 से 10 हज़ार रुपये ले लेते हैं 1-2 किलोमीटर। मैं इस सिलसिले में मैं इस चैनल के हवाले से सोजल मलिक साहब के रहते थे क्योंकि ये लॉन्ग से मिलते रहते हैं, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा उनसे बात करें कि यहाँ की मुकामी पुलिस एक राउंड करती रहे, खास तौर पर डायरेक्ट स्नोफॉल जी वो यहाँ पे राउंड भी करती रहे ताकि इस चीज़ को अवॉइड किया जा सके और लोग जो है ना खासतौर पर ये हमारी बैरियर रोड जी पी कुटना रोड पीसी रोड इसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा चीज़ डेवलप हो चुकी है, मैं तो मीटिंग में कह चुका हूँ, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो हम तमाम विजिटर्स को हम सुर रहेंगे मरी में इंतजामिया के तौर पर स्लो करें इसके हवाले। बहुत बहुत शुक्रिया सोजल साहब, और मैं एक बार फिर अपना तारुफ करा दें, लोग पूछ रहे हैं कि ये शख्सियत कौन है। ये शख्सियत नहीं है, मैं जनाब सैयद इफ्तार का मेरा नाम है और मैं 2005 से हाईवे मैकेनिकल डिवीजन है हमारी यहाँ पे, उसका मैं हिस्सा हूँ, मैं सब इंजीनियर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र बदल है आज तक मैं चल रहा हूँ और हम कामयाब हैं। और हम मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, मेरी टीम है, ये हमारी की बेटर है, ये हमारी बेटर खड़ी हुई है, मौजूदा हुकूमत ने हमें सफिशेंट मशीनरी हमें दे दी है जी, हमारे पास हर किस्म के फंड मौजूद होते हैं और पंजाब में जो लोग आते हैं मैं पंजाब को उनकी तारीफ तो करूँगी करूँगा, लेकिन आप लोग खुद फर्क महसूस करेंगे कि वो सब हमारे व्यूवर्स को बताएं कि केपीके में क्या हुआ। नहीं करना चाह रहा क्योंकि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप पंजाब की लिमिट्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या जरूरत है स्नो प्लेस की और आगे देखेंगे, लेकिन हम किसी को टॉन्ट नहीं कर रहे, हम किसी को लट डाउन नहीं कर रहे, वो भी हमारा पार्ट है और हम जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमें हुक्म देती है तो हम जाके केपीके को भी क्लियर करते हैं और ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बड़ा पान है, हम बड़ा सूबे हैं और हम इस पर फख्र भी महसूस करते हैं और हम इसको अपना फर्ज भी समझते हैं, इसलिए हम कोई किसी को हम कोई लेट डाउन नहीं कर रहे, हम किसी को नीचा नहीं दिखाना चाह रहे, सब हमारे भाई हैं। और मैं सोजल मलिक साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा बहुत पर्सनली जो मैंने ऑब्जर्व किया है चैनल पे कि बराए मेहरबानी पॉलिटिकली इसमें कुछ ऐसी चीज चलती है जिसका मैंने एक कंप्लेंट की है बकायदा रिटर्न, किसी भी शख्सियत के बारे में कोई ऐसी पोस्ट ना करे, कोई ऐसी वीडियो ना डाले जिससे किसी भी पार्टी का मैं यहाँ पे हमने तो कभी किसी भी पार्टी की नोट करवाई थी। आप बराए मेहरबानी और पेज होगा या हमें मेंशन कर दें, बट मैं अपने तमाम मेंबर से कहूंगा कि अच्छा एक बात डॉक्टर हनीफ साहब को फॉलो करते हैं या हमें फॉलो करते हैं, सही सी बताइएगा। मैं एक सैयद हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इस टाइम पे मैं बिल्कुल, अब हमने जब से ये चैनल आ गया है हमने एक वेदर छोड़ दिया है, हमने डॉक्टर हनीफ साहब छोड़ दिए, हमने पाकिस्तान फॉरेस्ट छोड़ दिया है और इस पे हमें इतना यकीन है और हकीकत यकीन है और हम एक बार मैं बड़ा ये जाती सी मेरी खुशी है, मेरी पहली मुलाकात है, मैं सोजल साहब से कोई मैं तारीफ नहीं कर रहा, वाकई इनके कदम आए, मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह करे ये मुझसे बहुत ज़्यादा नेक है, इंशाल्लाह ताला ये आए हैं और हम जो ना मायूस हो चुके थे, हम बिल्कुल मायूस हो चुके थे कि अब बर्फ़ नहीं पड़ेगी और अल्हम्दुलिल्लाह, और हम मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप 2 महीने तक आपने मरीज से नहीं जाना क्योंकि बर्फ़ हमसे रूठ के इनके साथ चली गई थी, ये वापस आ गए दुनिया का टूर लगा के, तो प्लीज़ बरए मेहरबानी सोजल साहब अब आपने 2 महीने तक मरीज से नहीं जाना क्योंकि बर्फ़ ये नहीं मैं कह रहा, ये लोग कुछ हो रहे हैं, ये अकल बात है। आपको पता है आज भी मैं 14 घंटे आज मैं बिजी था, 6 घंटे की फ्लाइट लेके फिर भी मरी आई और ये आपकी ग्रेटनेस है, इस वक्त आप लाइव पड़े हुए और मेरी आप सारी रात आप लाइव पड़े हैं, जितने हम ड्यूटी करते हैं सोजल साहब और ये नसरुल्लाह साहब और ये जितने भी, ये तो हकीकत है, हमने आपको देखना है, अभी आप सड़कें साफ करेंगे, ये व्यूवर्स को थोड़ा सा बता दें, इन्फॉर्म कर देंगे आप किस तरीके से यानी आपका डिपार्टमेंट काम करता है। हमारी स्नो क्रेस यूनिट की एक स्नो क्रेस जो हम व्यूवर्स के नमक से बर्फ जो है वो कम पड़ जाती है, उसकी ताकत कम हो जाती है, खासतौर पे फ्रोस्ट जिसको कोरा कहते हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, गाड़ी स्किड करती है, जब तक नमक ना डाला जाए, ये नमक है ये हमारे आदमी, ये हमारे यहाँ पे हम लोकली जो है बन रहे यहाँ पे
टेम्प्रेरी वर्क चार्ज यहाँ पे अप्लाई करते हैं जी। ये हाथों से ये खोल के, अभी वर्क इतनी शुरू नहीं हुई, ये खोल लेंगे फिर हाथों से स्प्रिंकलिंग करते रहेंगे। ये देखिए जी, आप लोग तो माशाल्लाह अपनी वीआईपी गाड़ियों में आ जाते हैं, हीटर ऑन करके स्नोफॉल एंजॉय करते हैं, और उसके पीछे ये मासूम लोग होते हैं जो आपके लिए रास्ते खोलते हैं। ये देखें, ये साल्ट पड़ा हुआ है, ये स्पेशल साल्ट है, स्पेशल साल्ट है, पहाड़ी नमक इसको कहते हैं, जो फ्रॉस्ट को काटते हैं, तो इसी कोरे के लिए ये रोड के ऊपर जमता नहीं। ये पहले भी ये थ्रो कर देते हैं, स्प्रे कर देते हैं बर्फ़ होने से पहले, और इन्होंने तमाम जो रास्ता सड़कें हैं उनके ऊपर इन्होंने ऑलरेडी स्प्रे किया हुआ है, क्योंकि इनको फोरकास्ट हमने कर दी थी, रेड अलर्ट हमने इशू कर दिया था कि रात को 10 बजे स्नोफॉल स्टार्ट होगी, और बिल्कुल 10 बजे यहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हुई। तो ये देखिए, इन लोगों के लिए हैट्स ऑफ, इन लोगों को इनके देखिए कि यकीन करें कि आप खुद सोचें, ये वो मौसम होता है -5 में कि बिस्तर से भी कोई नहीं निकलता। मरी में तो वैसे भी ये रिवाज है कि 2 से 3 बंदे एक रजाई में सोते हैं सीजन में, और ये नंगे हाथों से, और ये नमक काटता है इनके हाथों को, लेकिन ये करते हैं। इनको इनके लिए मैं भी सलाम पेश कर रहा हूँ, हमारे सारे पेज के जो जितना भी फॉलोअर हैं आपको सलाम पेश कर रहे हैं जी। बिकॉज़ हमारी काम है तो हम प्राइवेट जेट हायर करते हैं, ये हमारी प्राइवेट जेट भी, ये भी यूनिट है। आपके वास्ते मैं चाहने लगता हूं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कहां से आए हैं? जी मैं गुजरांवाला से आया हूं। यार मेरे गुजरांवाले में बहुत फैन है, लगता है मैं इलेक्शन में वहाँ पे खड़ा हो जाऊँ। आपका नाम जी? उमर जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हमारी फोरकास्ट के मुताबिक आए हैं, माशाल्लाह जी, जबरदस्त जी, जबरदस्त। सोजल साहब के लिए बहुत शुक्रिया जी, बहुत स्लैप हो जानी चाहिए जी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह अभी ड्यूटी पे हूँ, मैं चाहूँगा कि फिर अगर टाइम मिला तो मैं मजीद आपके साथ ही हैं, आपके साथ ही हैं, चाहे आपको रात को 2 बजे, आपको पता है मैं सिर्फ 2 घंटे सोता हूँ, ये भी लोगों को मालूम है, मैं सिर्फ 2 घंटे सोता हूँ, 2 घंटे से ऊपर मैं सो ही नहीं सकता, तो मेरी लाइफ में इतना सोना है नहीं। इंशाल्लाह ताला ये स्नोफॉल लगी हुई है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फिर वार्न कर रहा हूँ, ये रेड अलर्ट है, किसी भी सुबह 6 बजे यहाँ पे पीक पे होगी बिल्कुल। तो ये टूरिस्ट आपको देख रहे हैं, और ये मरी वेदर का भी नाक का सवाल है, और हाईवे डिपार्टमेंट का भी, किसी को परेशानी ना हो, आप अपनी कोई हेल्पलाइन का नंबर हमें दे दें, अगर कहीं पे कोई गाड़ियाँ फंस जाती हैं तो कॉल करें। इस बार हम प्राउडली मैं कह रहा हूँ, हालांकि मैं गाड़ी लाल से ताल्लुक है, मैं प्राउडली कह रहा हूँ कि हमारी हेल्पलाइन इस बार मरी वेदर और सोजल मलिक साहब और रसूल साहब। चलिए जी, जितना भी विजिटर्स हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, अगर वो कहीं पे भी आप फंस जाएं तो आप हमें इनबॉक्स करें, आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, और हमें बता दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला हम आगे इन्फॉर्म कर देंगे। हमारे जगह जगह पे स्लो करेंट यूनिट्स पड़े हुए, वो तो हमने देखे, हमारी व्हीकल्स हैं, जो व्हीकल हमारी काम है, हमने प्राइवेट व्हीकल्स ली हुई हैं, खड़ी हुई है। ये देखें, ये प्राइवेट व्हीकल है, ये इन्होंने हायर की हुई है, और ये देखिए हर एक पे ये लिखा हुआ है, ये देखिए ये स्लो इसके साइड पे लिखा है, स्लो करेंट यूनिट लिखा हुआ है, कोई भी बंदा जिसको मुझ पर परेशानी है। ये देखें, ये सारे इकदाम सब आप लोगों के लिए हैं, अल्लाह ताला की इस खूबसूरती को आप इंजॉय कर सकें, ये सारे इंतजाम आप सब के लिए किए गए हैं। तो ये रेंट के ऊपर इन्होंने हायर किए हैं, ये सारा कुछ हायर करते हैं, ये हमारी सरकारी है जो हमारे पास अवेलेबल थी, वो गवर्नमेंट की मशीन भी खड़ी है, और ये देखें जी कितना हैवी स्नोफॉल है इस वक्त, और लोगों का जब अपील आ रही है। ये देखें, मजाया मशवरा भी लेना चाहूँगा, आप लोग अपनी गाड़ियों में 5 किलो नमक भी ले आइएगा, डाल के पैक करवा के। नमक जो है, जैसे कि शाह जी ने बताया है, नमक जो है वो बर्फ़ का तोड़ है, तो अगर आपकी गाड़ी में 5 किलो नमक का थैला होगा तो जहाँ आपकी कार स्लिप होगी आप नमक सड़क से फेंक के अपनी गाड़ी को निकाल लीजिए। और ये देखिए जी, तकरीबन -1 सेंटीग्रेड यहाँ पर टेम्परेचर है, और यकीन करें कि हम लोगों ने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है और हमारे हाथ फ्रीज है, हमारे हाथ बिल्कुल फ्रीज है, आपको ये सब चीज़ हम दिखा रहे हैं। मरी वेदर आपका अपना पेज है, इस पेज को लाइक करें, शेयर करें। ये देखें जी खूबसूरत स्नोफॉल, और GPO ये आप लाइव देख रहे हैं हमारी स्ट्रीमिंग, और देखें कितनी ज़बरदस्त स्नोफॉल हो रही है, बर्फ सचिव भाई इतनी तेज है जी, ये धुंध का समय है, ये बिल्कुल फॉग है, ये बिल्कुल फॉग है। ये देखें जी सामने, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें जी,
میرا گلا بھی خراب ہے، میری طبیعت بھی آج خراب ہے، اور میں نے ریسٹ بھی نہیں کیا۔ یقین کریں 14 گھنٹے سے میں بالکل سفر میں تھا، اور ڈائریکٹ میں جب سنو فال ہوئی ہے میں ادھر ہی پہنچا ہوں، میں گھر بھی نہیں گیا۔ تو یہ سب آپ کی محبتیں ہیں۔ ابھی دیکھیں آپ کے سامنے یہی فالوورز، یہی فین، یہی ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ ان کے پیار اور محبت کو دیکھ کے ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ اس شدید سردی میں ہم آپ کے ساتھ لائیو ہوں۔ حسن محی الدین، آپ ہمارے ساتھ تھے، تھینک یو سو مچ۔ راول پنڈی اسلام آباد ویدر کے یہ ایڈمن ہیں، اور انہوں نے پاکستان میں سب سے پہلے پرسنل ویدر اسٹیشن آئی تھنک لگایا تھا انہوں نے، تو حسن محی الدین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب دوستوں کو وعلیکم السلام، جن کے میسج میں ریڈ نہیں کر سکا۔ آپ کو پتہ ہے کہ معلوم ہے کہ میں بزی تھا، اور آپ کو انتہائی بہترین انفارمیشن دے رہے تھے جو نہ کسی ٹی وی چینل پہ آئی ہے، نہ کوئی فیس بک کا پیج آپ کو دے سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے معذرت میری قبول کیجئے کہ میں آپ کے میسج کا رپلائی نہیں کر سکا۔ تو میں ایک بار پھر سب کو وعلیکم السلام کہتا ہوں۔ مری کا یہ خوبصورت موسم آپ کا منتظر ہے۔ اگر آپ آنا چاہتے ہیں، جو شک میں پڑے ہوئے تھے، جن کو ہمارے اوپر بھی شک تھا کہ غلط پیش گوئی کریں گے، تو ان کا شک اب دور ہو جانا چاہیے۔ اگر آپ نے سنو فال انجوائے کرنی ہے، یہ سیزن کی پہلی ہیوی سنو فال ہے آفٹر 11 دسمبر، تو آپ ضرور تشریف لائیں۔ دیکھیں لوگ گرم مشروبات کا استعمال کر رہے ہیں، ہاتھ بالکل ٹھنڈے ہیں، اور فل چل ماحول ہے۔ سردی کی پرواہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ لوگ اپنے ہوٹلوں کے گرم گرم کمرے اور گرم گرم بستر چھوڑ کے ہمارے ساتھ برف انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ بڑے انتظار کے بعد یہ خوبصورت موسم، یہ خوبصورت بیوٹی مری میں ایک بار پھر واپس آئی ہے، اور ابھی یہ جانے والی نہیں ہے، انشاء اللہ تعالیٰ یہ رہے گی۔ اور حسین صاحب، مزہ آیا آپ کو؟ جی بس آپ اچھی طرح انجوائے کر رہے ہیں، برف ہے۔ میں سوجھل بھائی کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ہی زمین پہ سفید چادر اڑ جائے، یعنی برف جو ہے وہ زمین کو ڈھانپ لے، تو پھر ہم دوبارہ آپ کو لائیو منظر دکھائیں، اور وہ بہت خوبصورت منظر ہوگا۔ تو ہمیں اجازت دیں گے، ہمارے ہاتھ بالکل فریز ہو چکے ہیں، ہم بھی کوئی چائے شائے پی لیں، کوئی کھانا شانا کھا لیں، کوئی مچھلی چھچلی کھائیں، کوئی دمبا شمبا۔ مری ویدر پی کے آپ وہاں پہ ایبٹ آباد میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ اور اب آپ ایبٹ آباد سے اوپر آنے کی کوشش مت کیجیے گا بالکل بھی۔ اور بندے کے پتر بن کے حسن افضال اور ہزارہ موٹر وے سے آپ آئیے گا، آپ کے راستے بند ہو چکے ہیں، مری نو گو ایریا بن چکا ہے وہاں سے، کے پی کے سے۔ میں گاڑی میں وہ جو چیز ہے وہ میں لے کے آتا ہوں، گلوز ڈھونڈتا ہوں، اس میں گلوز ہیں، آپ ادھر کھڑے ہیں نا، میں آ رہا ہوں۔ تو ویورس یہ دیکھیں جی، یہ خوبصورت ماحول، اور یہ دیکھیں گاڑیوں کے اوپر برف جم گئی ہے چھتوں کے اوپر، یہ دیکھیں جی، اور گاڑیاں اب سلپ بھی ہو رہی ہیں، گاڑیاں سلپ بھی ہو رہی ہیں۔ ہماری اس لائیو اسٹریمنگ کو شیئر کریں جتنا ہو سکے، یہ ریئر ویڈیو ہے، نایاب ویڈیو ہے، اور سیزن کی پہلی ہیوی سنو فال ہے، تو شیئر کرنا آپ کا حق بنتا ہے۔ السلام علیکم جی، جناب کیسے ہیں جناب؟ سوجھل ملک، ملک خرم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کل میں نے آپ کی پریڈکشن دیکھی تھی جی، تو لہٰذا آپ نے کہا تھا کہ اتوار کی رات کو یہاں پہ شام کو ضرور سنو فال ہوگی جی، لہٰذا میں اپنی فیملی کے ساتھ آیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سو کیوٹ بیبی، کا لیٹر کیا تھا پہلی کوارٹر کا جی جی، تو وہ بھی سارا ہم نے سنا، تو پھر آپ کی ایڈوائس کافی فائدہ مند ہمارے لیے رہی جی۔ دیکھیں جی، یہ تو ابھی آپ کو اور مزیدار ویدر ملے گا صبح، یہاں پہ تقریباً 1 سے 1.5 فٹ برف ہوگی یہاں پہ جہاں پہ آپ کھڑے ہیں، یہ تو ابھی اسٹارٹ ہے، اور اس کا جو پیک ہے وہ تقریباً صبح 6 بجے اسٹارٹ ہوگا، اور کل شام تک یہ 5 یا 6 بجے تک یہ نان اسٹاپ برف باری جاری رہے گی۔ تو آپ کی بڑی مہربانی، آپ ہمارے پیج کو فالو کرتے ہیں جی، بس دیکھیں میں آپ نے مری ویدر تو میں آپ نے شاید صبح نہیں دیکھا ہوگا، میں
आज बहर गया हुआ था, मेरी फ्लाइट थी जी मेरी फ्लाइट थी, मैं तकरीबन 14 घंटे के बाद फिर मरी में डायरेक्ट इधर ही आया हूँ, रेस्ट भी नहीं किया। तो ये आप जैसे फैंस और आप जैसे फॉलोअर्स हैं जिसकी वजह से हमारा हौसला बुलंद होता है कि आप देखें आप हमें खुद ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे मरी के पेज बहुत बने हुए हैं लेकिन कोई भी मरी की नुमाइंदगी नहीं कर रहा। हमने अपने वेदर स्टेशन लगाए हुए हैं, मेरा अपना 20 साल का तकरीबन तजर्बा है मेट्रोलॉजी का, बीइंग ए पायलट, तो इस वजह से हो जाते हैं। तो आए आपकी खिदमत करते हैं, आपको चाय खाना मिला तकल्लुफ चलें, मैं आपको कोई खिदमत करता हूँ। चलें जी, अल्लाह आपको खुश रखे जी। इधर ही है कल का दिन, चलें जी इंजॉय करें। कल इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ होंगे लाइव, आ जाइएगा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम जी कहाँ से हैं? लाहौर से हैं। आपका नाम? मोहम्मद। मोहम्मद अली। इंजॉय कर रहे हैं स्नोफॉल को? अच्छा अच्छा, चलें जी इंजॉय करें। ये जी देखें फैंस फॉलोअर मरी वेदर के हमें ढूंढ ढूंढ के मिल रहे हैं, इनकी मोहब्बतें हैं यकीन करें। ये होता है कि सच बोलें, सच दिखाएं, यकीन करें। कल मेरा बहुत दिल दुखा था, मैंने दो पेजेस के ऊपर देखा था, उन्होंने मरी में शदीद स्नोफॉल करवा दी थी और मैं खुद परेशान हो गया था यार, मैंने कहा ये कौन सा मरी दिखा रहे हैं। तो आज वो जो वो कहते हैं ना कि जब चांद होता है तो नज़र आता है, तो आज स्नोफॉल हो रही है तो नज़र भी आ रही है। आप माहौल देख रहे हैं माल रोड, मैं आपके साथ लाइव सोजल मलिक। -1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है इस वक्त और जो रियल फील हो रहा है वो -4, लेकिन लोगों का हौसला देखें, हिम्मत देखें और इंजॉय कर रहे हैं। कोई भी नहीं होटलों में जा रहा, हीटरों की किसी को कोई परवाह नहीं। हमारे हाथ भी, मेरे अपने हाथ भी खुद बिल्कुल फ्रीज़ हो गए हैं अब इस वक्त, और लोग सेल्फियाँ बना रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं लोग इस मौसम को। बहुत तेज़ स्नोफॉल है इस वक्त आपके सामने, हमारी इस लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर करें। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारी तौबा कबूल कर ली। यकीन करें इस बारिश और इस बर्फ़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हमारे पाकिस्तान को। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये रहमत मज़ीद हमारे ऊपर बरसती रहे और खैर की बारिश हो, खैर की बर्फ़ हो। आसिम सही साहब थैंक यू सो मच, आदिल शबीर थैंक यू सो मच, लेंस को साफ कर रहे थे क्योंकि ब्लर हो रही थी तस्वीर। आज आपने हमारी लाइव स्ट्रीमिंग देखी, स्नो क्लियरिंग यूनिट के इंचार्ज उन्होंने भी आपके लिए स्पेशल एडवाइजरीज जारी की। अगर जिन्होंने मिस किया है हमारी लाइव स्ट्रीमिंग को वो एक बार फिर दोबारा देखें, स्टार्ट से देखें, बहुत मज़े की हमारी लाइव स्ट्रीमिंग थी और आपने सही मानों में इंजॉय किया होगा और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो पहले कभी नहीं शेयर की गई वो भी आपके दिल में आई हुई होगी। तो हमारी इस लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर करें, जेन्युइन पेज है, ओरिजिनल पेज है मरी वेदर, हमेशा की तरह सबसे पहले हम आपको लाइव चाहे जैसा भी मौसम हो हमने हमेशा पहले भी दिखाया है, अभी भी दिखा रहे हैं और आइंदा भी दिखाएंगे। और स्नो बाइक इस वक्त CDP मरी की आप देख रहे हैं और मैं अब थोड़ी सी मुझे ज़्यादा दें मैं अंदर जाता हूँ।